तो गाइस यहाँ पर मैंने इस बंदे को अभी अभी मारा है और सामने से एक और गाड़ी आती है और ये बंदा यहाँ पर आके मतलब रुक जाता है। तो गाइस यहाँ पर होने वाली एकदम इंटेंस फाइट और सबसे पहले भाई ग्रैंड करके देखते हैं, लेकिन वो बंदा भाई बहुत ही अग्रेसिव था, सीधा आके पुश कर दिया भाई एकदम। तो देखो गाइस इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे मुझे साउंड आती है कि वो बंदा स्टेयरकेस के थ्रू ऊपर चढ़ गया और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि यहाँ से मैं फायर कर सकता था उस पर। और देखो गाइस, तो देखो गाइस यहाँ पर सारी की सारी बुलेट हेड पे थी, लेकिन नहीं बंदा नहीं मरा, बिल्कुल ही कम एचपी, मतलब नेगेटिव में होगा उसका एचपी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रेनेड कुक करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% कुक करा और फेंक दिया मैंने, मतलब उसकी एचपी इतनी कम थी कि उसके आवाज़ से ही वो बंदा फूट जाएगा, मतलब मर जाएगा। लेकिन तीसरा बंदा मतलब थर्ड पार्टी वाला बंदा एक और पुश कर देता तुरंत, तो गाइस सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये कि जो तुम मैंने बोला था कल एड वेड देख लेना वीडियोस के और क्लिक व्लिक करना है, तो ऐसा मत बिल्कुल भी मत करना है, एज यूजुअल नॉर्मल बाकी यूट्यूबर्स का देखते रहो ना तुम स्किप कर देते हो, तो ऐसा ही करना ज़्यादा, अगर नॉन स्किपेबल रहता है कोई वीडियो एड तो उसी को देखना, बाकी ज़्यादा क्लिक व्लिक मत करना। और अगर ऐसा करोगे तो CTR इंक्रीज हो जाएगा, इन फलाना ढिकाना, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज में इतने सारे गाइडलाइंस हैं जितने इस धरती पर पशु पक्षी नहीं होंगे, तो एज यूजुअल नॉर्मली रहने देना, ज़्यादा कुछ अपन को ओवर क्लिक या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सो गाइज कल जो बात अधूरी गई थी वहीं से शुरुआत करते हैं, और काफ़ी बंदे ऐसा करते हैं बीच मैच में ही, मतलब 40-50 बंदे बचे हुए थे तभी मीटअप करने आते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ते जाते ही नहीं है, मतलब मेरे साथ ही वहीं पर होल्ड करने लग जाते हैं। और काफ़ी बंदों के पास तो गाड़ी नहीं होती भाई, वो आते हैं ओपन में जंप करते करते, फिर क्या भाई उनको कैरी करना पड़ता है, और फिर दूसरे बंदे जो सोचते हैं कि ये टीम करके खेल रहा है और इसके अकेले की बस की बात ही नहीं, तो गाइस मैं अकेले ही खेलता हूँ तुम बस मीटअप करने आते हो, तो ये दूसरे बंदे देख लेते तो फिर उनको गलतफहमी होती है। तो फिलहाल मैं जा रहा था, अब ये भैया जी आ रहे थे भाई गाड़ी, मतलब गाड़ी मिल जाएगी मुझे, लेकिन इनको गाड़ी मिलती है नहीं इस साइड में इस एरिया में। अब यहाँ पे मैं इसको लिफ्ट देता हूँ और मेरा काम है अभी तुमको एंटरटेन मतलब एजुकेट करने के साथ, मतलब जो चीज़ें तुम्हारे काम आ जाए मेरे रैंक पुश वाले वीडियोस से उनके साथ साथ भाई कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड करूँ तुमको। अब इस बंदे को मैं लिफ्ट देता हूँ, तो ये काम तुम भी कर सकते हो, और स्टार्टिंग से तुमने ऐसे यूट्यूबर देखे नहीं होंगे जो ऐसे कुछ वैल्यूज देते हो तुमको, वो बस अपने काम से काम रखेंगे। अब उस बंदे को मैं बग्गी पे उतार के आ जाता हूँ आगे, और यहाँ पर मुझे एक डायसर मिल जाती है, इसको चेंज करके मैं आ जाता हूँ एक ऐसे कंपाउंड पे जहाँ पर बंदों के आने की संभावना बहुत ही कम हो, मतलब कोई अर्ली स्टेज फाइट नहीं चाहता था मैं, इसलिए बिल्कुल रेयर केस वाले जो कंपाउंड होते हैं वहाँ पर आ जाता हूँ एक बार। तो गाड़ी घुमा के चेक कर लेता हूँ कि कोई बंदा आया तो नहीं है, भाई बहुत सारे एक्सेप्शनल बंदे बहुत ही दूर आ जाते हैं भाई ऐसी जगहों पे भी। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर लूट कर ही लेते क्योंकि टाइम बहुत हो गया भाई, ज़्यादा लूट के लिए हमारे पास टाइम है नहीं। और गाइस ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है भाई फैन पॉलिसी वाली, मतलब तुम जब लास्ट के दो बंदे मैं और तुम ना बचे हो तब तक भाई मेरे पास मत आया करो, बस तुम अपनी जगह पे होल्ड किया करो, और जब लास्ट बंदा मर जाएगा मतलब तीसरा बंदा, तो ऑब्वियसली अपन पेन फाइट या फिर जो भी करना होगा वो कर लेंगे, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहते हो और किसी पे पुश करके मतलब तीसरे बंदे को मार देते दोनों मिलके, तो फिर और वो बंदा यहाँ पर रिपोर्ट कर देता ना तो बैन पड़ेगा, वो भी ऐसा वाला परमानेंट बैन नहीं, बस हल्का बैन, आधा अधूरा बैन, तुमको बस अपना आईडी तो मिलेगा लेकिन तुम्हारा टायर रीसेट हो जाएगा ब्रॉन्ज 5, मतलब कॉन्करर से ब्रॉन्ज 5 हो जाएंगे, नंबर 1 से सीधा 0 हो जाएंगे। तो गाइस ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि तुम स्टार्टिंग में मतलब बीच मैच में ना हो, बिल्कुल ही लास्ट बंदा बचाओ, बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे ही मीटअप करने का, और अगर तुम लोग आ जाते हो भाई स्टार्टिंग में तो मैं किल कर दूंगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग तुम खुद देख सकते हो भाई पबजी वाले हैकर को बैन कम और टीम अप वालों को ज़्यादा बैन करते हैं, क्योंकि हैकर को बैन करने की उनके बस की बात है नहीं, और टीम अप वाले तो साफ दिख जाते भाई इसलिए बैन कर देते वो फटाफट। तो गाइस यहाँ पर एक बॉट आ जाता है लकीली, और उस बॉट को मारने के बाद मुझे मिल जाती है उससे एक M7, और M7 बोले तो एकदम सस्ती ग्रोजा है। तो फिलहाल मैं आ गया था सीधा तीसरे जोन में लूटपाट करके, और अब यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा था तो जो सामने रिज की तरफ एक गाड़ी खड़ी, वो बंदा भाई है हैकर और वो कर रहा है टीम अप, और उसका एक जो साथी है भाई वो कहीं और गया हुआ है किसी दूसरे को टपकाने, तो वो वेट कर रहा है उसका, जब वो आ जाएगा तब भी देखो ऊपर जो गाड़ी चल रही है वो उसी का टीम अप है, और इतनी देर में वो एम के से किसी और को मारने लग जाता है, और मैं मौके का फ़ायदा उठा के भाई अपना गाड़ी सेव कर लेता हूँ एक बार, तो क्योंकि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो वो मेरा गाड़ी कैम करेगा, या तो वो गाड़ी फोड़ देगा मेरा मतलब टायर फोड़ देगा, या फिर मुझे ही किल कर देगा, और उनके ADS मतलब एम बोर्ड का तो क्या ही बोले, मतलब रिकॉइल तो है ही नहीं उनके पास, और स्मोक करके अपने आप को बेवकूफ़ थोड़ी बनाऊँगा मैं। तो गाइस जो भी बंदे मीटअप की इच्छा रखते हो या फिर अगर तुम मेरे मैच में आ जाते हो और मुझे नोटिस कर लेते हो, तो भाई बिल्कुल एंड तक ही तुम ये कदम उठाना,
तो गाइज़ ये चीज़ मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दी, और जो भी बंदे ये वीडियो ना देख पाए ना तो गाइज़ ये वीडियो शेयर कर देना बहुत सारे बंदे जो सोलो खेलते हो, तो अगर किसी मैच में उनके साथ आ जाता हूँ मैं तो वो बीच मैच में मीटअप करने ना आ जाए और उनके साथ कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, मतलब उनको किल ना कर दूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गया हूँ सीधा सेंटर ऑफ द जोन और यहीं पर होल्ड करूँगा ताकि किल भी मिलते रहे। अब सबसे पहले यहाँ पर आके एक बार ग्रेनेड पुल करता हूँ, ऐसा नहीं कि जिस एंटर में इस रूम में एंटर हुआ यहाँ पर चेक करने के लिए कर रहा था मैं चेक कर रहा था भाई आजू बाजू जो स्नाइपर टावर है, घर है और बाउंड हाउस और घास में भी लेटे हुए हो सकते, तो बंदे उनको अगर हेल्प चल देते ग्रेनेड पुल करने पर तो हम अलर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था, अगला जोन भी हम पे बन गया और इतनी देर में एक यूजर रहता है सामने से। अब इस बंदे को मैंने इतना डैमेज दे दिया है कि भाई कॉन्फिडेंट था मैं, लेकिन ये बंदा कूद जाता है भाई, आत्महत्या कर ली इसने, किल नहीं दिया हमको कुल मिला के। अगर ये बंदा नहीं भी कूदता ना तो इसके माइंड में एक ही चीज़ रहती भाई मेरा हेल्थ कम है, सामने जाके एक बार कवर में जाके हील कर लेता हूँ, और तब तक मैं इस बंदे पर पुश करके किल कर ही रहता और सबसे पहले तो इस बंदे को लूट लेते जब ये लेके आ गया भाई। इसमें से हमको मिल जाता है लेवल 3 का हेलमेट और M249, मतलब M249 भाई क्लोज रेंज की है, तो हम M7 फेंक देते हैं और उठा लेते हैं भाई। यहाँ पर एक बंद और आ गया, ये करने आ गया हम पे पुश और बंद तो रुक जाता है। तो गाइस यहाँ पर होने वाले एकदम इंटेंस फाइट, और सबसे पहले भाई ग्रैंड करके देखते हैं, लेकिन वो बंदा भाई बहुत ही अग्रेसिव था, सीधा के पुश कर दिया भाई एकदम। तो देखो गाइस इसके साथ क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर एक बार तो M4 रिलोड कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास भले कितनी पावरफुल गन क्यों ना आपको जरूरत पड़ जाती है भाई सेकेंडरी गन की। और वो बंदा स्टेयरकेस के थ्रू ऊपर चढ़ गया था, और ये देखो गाइस इसको सारे बुलेट हेड पे लगी, लेकिन नहीं बंदा नहीं मरता है। तो मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड पुल करता हूँ, पुल करता हूँ और फेंक देता हूँ, और इस तरीके से भाई ठिकाने लग जाते हैं अपने आप ही। और इतनी देर में भाई तीसरा बंदा, इसने तुरंत मौके का फायदा उठाने की सोची और पुश कर दिया हम पे, यहाँ पर भाई को हेडशॉट पड़ गया, मतलब उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत तो लो हो ही गया है। ये बंदा क्या ही मूवमेंट दे रहा था भाई, इधर से उधर घूम रहा था, और क्या होने वाला है यहाँ पे। और इस तरीके से भाई को हम ठिकाने लगाते हैं, मतलब पीपी लेके आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इनमें, लेकिन जैसे तैसे भाई निपट जाते हैं। लेकिन पीपी का डैमेज देख रहे हो भाई बहुत ही ज़्यादा। इतनी देर में एक और भाई देखो, अब वो बंदा सीधा पुश नहीं कर दे, इसके लिए मैं बिना फुटस्टेप दिया अपना रिलोड कर लेता हूँ M249 और वेट करता हूँ उस बंदे का। लेकिन वो बंदा चला गया भाई पास वाले स्नाइपर टावर में। अब वो बंदा चला तो गया है स्नाइपर टावर में, लेकिन ये श्योर नहीं था मैं ऊपर है या नीचे, और मेरे पास ग्रेनेड भी नहीं था, स्मोक से कैसे मारूंगा उस बंदे को। एक बार तो मैंने उसको बेट करा भाई पिन करके, लेकिन वो बंदा कोई मूवमेंट नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को थोड़ी ढील देता हूँ, और पीछे जो M4 और मिनी विनी चल रहे थे उनको देखते हैं, और वो तो ओपन में तो उनको किल कर सकते हैं इजी। अब मैं उनको स्पॉट करने आया था कि इधर से एक पुल की तरफ से बग्गी आती है, साउंड आ रहा था, तो उधर ही एडेस लगाया मैंने। अब यहाँ पे मैं M4 से फायर कर रहा था, उस बंदे ने नोटिस करा, और क्या पता वो बंदा मेरे पर पुश कर रहा हो ऐसे सोच के मैं पीछे आया, लेकिन वो बंदा जा रहा था भाई पीछे की तरफ और बांध हाउस की तरफ जा रहा था। अब क्यों जा रहा था उधर मुझे नहीं पता, लेकिन लूट करके आएगा वो बंदा 1-2 घंटे बाद। और देखो गाइस 10 सेकंड बाकी जोन को जाने में, और यहाँ स्मोक हो रहा था, लेकिन वो बंदा थोड़ा बहुत पत्थर है वहाँ पर उसके कवर में था शायद। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट था कि वो बंदा जो स्नैपर टावर वाला मेरे पे सरप्राइज अटैक ना कर दे, और जोन स्टार्ट होने ही वाला था तो सबसे पहले भाई हील कर लेते और रास्ते में एक स्मोक कर देते, ताकि कोई प्रो प्लेयर हम पे कार स्प्रे मतलब व्हीकल स्प्रे ना मार दे, और निकल लेते अपने जोन के लिए अगले। तो गाइस यहाँ पे मैं सीधा जोन में ना जाके मतलब भसड़ मच जाएगी वहाँ पे, इसलिए नहीं जाता हूँ। और पीछे जो बंदा भाई उसके पास गाड़ी थी नहीं, तो वो बंदा दौड़ के आने वाला था, और वो बंदा कहाँ गायब हो जाता गाइस, देखो बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा उस बंदे का। लेकिन ये रहा, मतलब भाई ने बिल्कुल ही लेफ्ट से फ्लैंक मार के जोन में एंट्री मारने का सोचा था, लेकिन भाई जोन बहुत ही तेज था उससे। अब ये बंदा बिल्कुल स्नैक बनते बनते आ रहा था, मतलब रेटल स्नैक थोड़ी हो कि बहुत ही फास्ट आ जाओगे तुम जोन में, और इसको दौड़ने की जरूरत पड़ी। लेकिन भाई को बहुत ही मुश्किल हुई भाई स्पॉट करने में, और जैसे तैसे इस भाई को मैं ठिकाने लगा देता हूँ इस जोन के बाहर ही। तो गाइस ये जो करंट जोन है भाई, इसको क्लोज होने का टाइम स्टार्ट होने वाला है भाई, मतलब 10 सेकंड बाकी है। सबसे पहले तो भाई बूस्ट कर लेते हैं, और क्योंकि हमारा जो फाइट होने वाला अब क्लोज रेंज फाइट होने वाला, और क्लोज रेंज में जो बूस्ट करेगा वही जीतेगा, अनलेस आपके पास बहुत ही पावरफुल वेपन हो और या फिर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत प्रो प्लेयर हो। अब सबसे पहले तो भाई रास्ते में स्मोक कर देते, ताकि जो कंपाउंड होल्ड किया हो सामने घर है ना वहाँ से हमको कोई फायर नहीं दे। तो अब मैं निकलेगा भाई बग्गी लेके, और सामने वाले घर पे देखा तो भाई पहले ही बमबारी हो रही और गोले वाले चल रही है, तो मैं यह वाले कंपाउंड पे आ जाता हूँ, और इसमें घुसते ही भाई मुझे जो फायर करता है
बहुत अच्छी किस्मत रहती, और जैसे तैसे भाई बच गया, मतलब वेस्ट देखो लाल हो गए। और सबसे पहले तो इस वाले रूम में आए थे क्योंकि यहाँ पर ग्रेनेड आना स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आइडियल बंदा ग्रेनेड करेगा ही करेगा। और मैंने ये बस फैसला कर लिया था कि इस रूम से नहीं निकलूँगा मैं, और सोचा भाई पीछे जो मैंने बग्गी खड़ी करी यहाँ पर भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी ग्रेनेड आना ही वाला था। मुझे वैसे ही पता था, आइडिया था मेरे को, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता था कि ऑलमोस्ट बंदों के ग्रेनेड ख़त्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर बूस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा हेल्थ अभी भी फुल नहीं हुआ है। अब कोशिश करते वो जो यूज ही चला रहा था उस बंदे को स्पॉट करने की, और ये स्पॉट हो जाता मुझे। ये बंदा किसी और पे पीक करके फायर देने वाला था और भाई को ठिकाने लगा दिया हमने बिना जान पहचान के। तो गाइस यहाँ मैं अभी भी जोन में नहीं हूँ और 17 मीटर दूर हूँ, तो गाइस निकलना पड़ेगा अगले जोन के लिए। तो गाइस सामने वाले घर से मुझे फायर पड़ सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल प्रोन होकर जाने वाला था, लेकिन देखो गाइस क्या करता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई गाड़ी के पास जाके प्रोन हो जाता हूँ, और ताकि बंदे मिस कर दे अपना फायर। और यहाँ पर मैं दौड़ के चले जाता हूँ, बिल्कुल प्रोन नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से पड़ सकती है मुझे, तो यहाँ पे मुझे फायर पड़ता है। और देखो गाइस मेरा वेस्ट बिल्कुल डैमेज हो गया था और अब तो गायब ही हो गया, और थोड़ी बहुत और गोले लगते ना मैं किल हो जाता। अब यहाँ पे खतरा था भाई ग्रेनेड या मोली आने का, तो इस तरफ आ गया, और यहाँ पे भी श्योर नहीं था ऊपर वाला बंदा कब खिड़की से मुझे मार दे, और इधर आया ही था कि भाई मोली आई। यह मोली इस वॉल पे टकरा के भाई उधर ही उसका एरिया सीमित हो जाता है। अब यहाँ पे ग्रेनेड भी आ सकता है, इसलिए मैं आ जाता हूँ भाई वापस से इधर, और वैसा ही हुआ, मतलब ग्रेनेड भी आया इधर, और भाई मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं अंदर ही घुस गया। अब अंदर घुसते ही मुझे एक पेटी मिल जाती है बंदे की, उसमें से मुझे एक level 3 का ऑलमोस्ट डैमेज वेस्ट मिल जाता, मतलब मेरे पास तो वेस्ट ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे वेस्ट मिल गया। अब देखो गाइस क्या होने वाला है, एक बंदा है बिल्कुल रिज नीचे की तरफ और एक बंदा है ऊपर। अब यहाँ पे मैं ये कंफ्यूज था कि भाई ये नीचे वाला बंदा जो रिज वाला है, इस बंदे को मैं जाऊँगा तो भाई इसके पास TPP है और पहले फायर ये करेगा, तो मेरे को ज़्यादा डैमेज पहले पड़ेगा, और अगर इसको मैं जैसे तैसे भाई किल कर भी लेता हूँ तो ऊपर वाला बंदा मुझे किल कर देगा भाई ऑब्वियसली खिड़की से या फिर गेट खोल के। तो भाई यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा हूँ थोड़ा। अब ये ऊपर वाला बंदा क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ना मूवमेंट दे रहा कुछ, बस मोली और ग्रैंड ये सब किए जा रहा था। अब यहाँ से मैं देखता हूँ भाई गिली सूट में एक बंदा जो रिज वाला है वो यहाँ पर आके प्रोन हो गया, और मैंने कोशिश की भाई परफेक्ट जंप करके उससे फायर दूँ, लेकिन नहीं, वो बंदे ने अपना जगह चेंज कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे शुरू होने वाली हम दोनों के बीच में, मतलब दोनों गिली सूट वालों के बीच में फाइट, वो भी नॉन स्टॉप, और देखो गाइस क्या होता आगे। अब ये बंदा भी काफ़ी अच्छा खेलने वाला लग रहा था भाई, एक बार फायर देकर कवर में जा रहा था और मूवमेंट भी अच्छी दे रहा था, तो मैं समझा भाई यहाँ पर गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। और मैंने बस वेट किया इसी चीज का, ये बार बार रिलोड कर रहा था, इसी चीज का मैंने फायदा उठाया, और भाई को मैं इस तरीके से ठिकाने लगाता हूँ। अब ऊपर वाला बंदा भाई क्या कर रहा है, इधर पूरी महाभारत हो गई लेकिन हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बंदा ऐसे घर में होल्ड कर रहा है तो एक आइडियल बंदा कहाँ TPP लगा यूँ बताओ मुझे, या तो स्टेयर केस के मुंह पे या फिर जो वॉल है उसके पीछे TPP लगा। और ऐसे बंदों को मारने का एक ही ट्रिक है कि कोई ट्रिक नहीं है, और इस तरीके से हम यहाँ पे किल हो जाते हैं। गाइस हमारा जो वेस्ट था भाई वो भी बिल्कुल डैमेज हुआ था, और दूसरी बात हमने कोई स्पेक्टेड में बंदा नहीं बिठाया रखा जो हमको बता दे कि भाई इस कोने में बैठा हुआ है जाके मार दे। हम हैं भाई ओरिजिनल प्लेयर और खेलते हैं भाई फेयर गेम, और ओरिजिनल प्लेयर के साथ ऐसे उलट फेर होते रहते गाइस। जो प्लस हुआ भाई पर किल 1 पॉइंट मिलता वो यूनिवर्सल लोग कहाँ गया यूँ बताओ मुझे, मैंने 6 किल किए लेकिन +5 मिले। तो यहाँ से अंदाजा लगाओ भाई No.1 होल्ड करना कितना हार्ड है, मतलब हार्ड से भी बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल बोले तो। तो चलो कोई नहीं गाइस, हम थ्रू आउट द सीजन कोशिश करेंगे कि No.1 होल्ड करें। जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ये वाला वीडियो तुमको पसंद आया होगा भाई, क्या ही 1v1 फाइट लिए सबके साथ और एक के बाद बंदे आते गए। तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही तो मत। तो भाई लोग अपन मिलते हैं अब अगले वीडियो में यानी कि कल, तो चलिए और बाय।